स्टार हैश 813 हैश अगर काम नहीं करता है तो ये वीडियो ज़रूर देखें। तो चलिए फ्रेंड्स, आज मेरे हाथ में है एक रियलमी का नार्जो 30A मॉडल RMX 3171। चलिए इसको अनलॉक करते हैं, पहले पैटर्न लॉक को रिसेट करते हैं फिर उसको FRP अनलॉक करेंगे। चलिए देखते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं कि रीसेट करने के लिए वॉल्यूम डाउन और पावर बटन को प्रेस करना पड़ेगा, फिर उसका लोगो आने तक आप वॉल्यूम डाउन को प्रेस करके रखिए और पावर बटन को छोड़ दीजिए। अभी इसका रिकवरी मेनू आ जाएगा, लैंग्वेज इंग्लिश, अब यहाँ वाइप डेटा, ये जो कोड आया है रीसेट कोड, इसको आप सेम टू सेम इनपुट करिए। फिर फॉर्मेट, अब ये फॉर्मेटिंग हो रहा है, मोबाइल में जो भी है यूज़र डेटा सब कुछ फॉर्मेट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं कि ये वीडियो मैं बना रहा हूँ सिर्फ और सिर्फ जो लोग नया बिज़नेस शुरू किए हैं, अभी ज़्यादा कुछ मालूम नहीं है सॉफ्टवेयर सर्विसिंग का, उन लोगों को मैं ये बताना चाहता हूँ कि हमारा वेबसाइट है, हमारा ये यूट्यूब चैनल है, आप फॉलो करिए, आपको हर रोज़ 2-4 नया मॉडल का सॉफ्टवेयर अनलॉकिंग FRP ये सब आपको वीडियो मिल जाएगा। अभी फॉर्मेटिंग होने के बाद ऑटोमेटिक रिस्टार्ट होगा, रिस्टार्ट होने के बाद आपका ये मेनू पूरा आएगा। चलिए देख लेंगे कि अभी जो गूगल ID लगा हुआ है वो पुराना मेथड जो हम लोग करते थे रियलमी और ओप्पो का, उससे काम बनता है कि नहीं। अगर नहीं बनता है तो इजी एक ट्रिक है, वो भी हम आपको दिखा दे रहे हैं। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं यहाँ पर गूगल ID लगा हुआ है। तो फ्रेंड्स, जिन लोगों को पता नहीं है मैं उन लोगों को बताना चाहता हूँ कि ओप्पो रियलमी का FRP अनलॉक या गूगल ID बाईपास करने के लिए इमरजेंसी में जाके *813# दबाने से गूगल ID बाईपास हो जाता है। और अगर उस वो काम नहीं करता है, क्योंकि नया अपडेट पैच जो आया है सिक्योरिटी पैच, उसमें वो अपडेट वो सब काम नहीं करेगा, इसीलिए नया मेथड जो मैं दिखा रहा हूँ प्लीज़ वो फॉलो करिए। तो फ्रेंड्स, अभी जो दिखाने जा रहा हूँ ध्यान से देखिए, ये जो माइक का सिंबल है इसमें एक बार टच करेंगे, फिर डिनाई करेंगे, फिर उस माइक में टच करेंगे, फिर एक बार डिनाई, अभी थर्ड टाइम माइक में टच करेंगे तो डिनाई नहीं आएगा, ये ऑप्शन आएगा, यहाँ पर जाना है। फिर मैं जो इंस्ट्रक्शन आपको दे रहा हूँ पूरा फॉलो करिए, अभी के अभी आपका FRP बाईपास हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, पुराना वाला में जो *813 से आप FRP अनलॉक करते थे, अगर नहीं होता है तो ये वाला ट्रिक बहुत ही इजी है, आप इससे FRP बाईपास कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मेरा वीडियो अगर अच्छा लगता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। तो फ्रेंड्स, अभी इस जगह से आपको रीसेट करने का ऑप्शन मिलेगा, आपको टाइप करना है रीसेट। अब नीचे रीसेट का फैक्ट्री डेटा रीसेट, यूज़र डेटा रीसेट का पूरा ऑप्शन आ जाता है सेटिंग में जैसा रहेगा। अब सेटिंग में जैसे आप रीसेट करते हैं सेम टू सेम रीसेट फॉर्मेट डेटा कर दीजिए। ये हो गया आपका FRP बाईपास।